हो गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? देखिए अभी हम आ गए जीन बाबा के पास। देखिए गोपालगंज माता रानी के दर्शन करने के बाद सभी श्रद्धालु जीन बाबा के पास आते हैं। देखिए आप लोग जीन बाबा के पास देख सकते हैं आप लोग, यही है जीन बाबा। जिसको भी जिसके भी शरीर पे भूत का साया होता है, कोई भी निगेटिव एनर्जी प्रसारण करता है, कोई भी आत्मा हो ऐसी हो, तो यहाँ जीन बाबा के आने के बात समझिए कि आपूर्ति शरीर पे वो आ जाता है। देख सकते हैं आप लोग बोल। यहाँ पे नवरात्रा में काफी भीड़ लगती है। जीन बाबा देख सकते हैं आप लोग, जीन बाबा को जय हो जीन बाबा। देख सकते हैं जीन बाबा बछवार गोपाल जी। देख सकते हैं, देखिए पुजारी जी हैं। आपको महाराज जी अपना परिचय देंगे और यहाँ के बारे में बताएंगे। मेरा नाम गुरु चरण दास हुआ जी, हम यहाँ के पुजारी हैं है। और यहाँ हम 10 बरिस से आए हैं यहाँ पर जी, और हमारे महाराज जी पहले यहाँ पर थे, फिर उनके महाराज जी थे, ऐसे ऐसे करके बहुत दिन से आ रहा, करीब 200-300 बरिस से ना जी। तो बहुत पुराना मंदिर है जी, और जीन बाबा का ये मंदिर हुआ जी, और वो सब भगवान का मंदिर है, जो महाराज लोग रहे वो मंदिर बनाए, भगवान के, भोला बाबा के, हनुमान जी के जी, ना? जी, 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 जी के मंदिर बनवाए। तो यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, नेपाल से जी, बंगाल से, यानी देश विदेश से भी आते हैं यहाँ पे लोग, सभी दूर दूर के जगह आते हैं, दूर के लोग आते हैं। और जो भी कष्ट हो या चीज हो, मतलब मेनली यहाँ के किस लिए फेमस है बताइए आप दर्शन? बाधा विघ्न का दूर होता है यहाँ पर, बाधा विघ्न, हाँ बाधा विघ्न दूर होता है और समृद्धि भी मिलता है जी, सुख समृद्धि, सुख समृद्धि मिलता है यहाँ पे आने पे, जिन बाबा सब दुख हर लेते हैं ना जी। चलिए और बाबा और बताइए यहाँ कुछ बारे में। और महाराज जी हमारे खड़े श्री रहे 12 बरिस, सीताराम धुनी भगवान के नाम 12 बरिस रात दिन चलते रहा जी, 12 बरिस, 12 बरिस खड़ा रहे, 12 बरिस खड़े श्री रहे हमारे महाराज जी यहाँ पे, जो इनका नाम है बजरंग दास महाराज जी, बजरंग दास महाराज जी, यानी कि बजरंग दास महाराज जी यहाँ 12 बरिस खड़े ही रह गए, खड़े रहे और 12 बरिस सीताराम धुनी चलते रहा, भंडारा चलते रहा यहाँ 12 बरिस कंटिन्यू कंटिन्यू, अच्छी बात है हाँ। और ऐसे ऐसे महाराज लोग तपस्या किए हैं यहाँ जी, और बगल में बड़े महाराज जी का भी स्थान है जी, वो भी बहुत तपस्वी महात्मा है, सिद्ध महात्मा थे जी, वो जल में ऊपरे ऊपरे चल जाते थे पर, हाँ हाँ थे। एक से एक महात्मा सिद्ध, धरती है जो है वो भी सिद्ध पुरुष है तो सिद्ध, और धरती भी है सिद्ध करने सिद्धि के धरती है, ये धरती जो है सिद्धि का धरती है जी। कोई भी आता है यहाँ थावे मंदिर या लछवार दुर्गा जी के पास, पहले जीन बाबा के पास आएंगे, यहाँ बगल में बाल गंगा नदी है जी। उसमें स्नान करेंगे, फिर जीन बाबा को पूजा करेंगे, फिर यहाँ से लछवार दुर्गा जी की माता जी के पास मंदिर में गोड़ लगेंगे, माथा टेकेंगे, फिर वहाँ के पास थावे माता जी के पास जाएंगे,
पहले जीन बाबा के पास आते हैं, पहले जीन बाबा के पास ही आना है, तब सर्व मनोकामना पूर्ण होता है जी। और नाना प्रकार के दुख दलिद्र सब दूर होता है। एक से एक लोग आते हैं स्कॉर्पियो लगाकर बगल में, पढ़े लिखे विद्वान जो उसको सारा मार्ग से थक गए हैं जी। वो आते हैं 10-5 मिनट बैठते हैं, यहाँ से मार्ग मिलता है, भगवान देते हैं, जीन बाबा देते हैं। ऐसा है, ये भगत जी बताएंगे कि यहाँ क्या होता है, क्या है, बहुत दूर से आते हैं और बराबर आते हैं। थोड़ा बताइए महाराज चले भगत जी यहाँ के बारे में, कुछ बताइए यहाँ के जगह के बारे में। हम लोग यहाँ चमत्कार है, हम लोग का कष्ट कुछ इधर उधर का जानकारी हुआ, मालूम हुआ, हम लोग यहाँ जीन बाबा के पास आना शुरू किए, यहाँ से कष्ट हम लोग का दूर हो गया, हम लोग बराबर आते हैं। प्रहद पूर्णिमा कब से आते हैं? हमको हो गया 200 साल से आते हैं। 20 साल से आते हैं? हाँ जी। घर कहाँ है पीछे? घर कहाँ? शिवहर जिला। शिवहर जिला से यहाँ आते हैं जी सर। हम बुजुर्ग हो गए जी, लेकिन बहुत लोग अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन हम तो नहीं मानते, अंधविश्वास नहीं मानते हैं। प्रभु का लीला अगर पार है, माँ प्रभु एक है, रूप अनेक है जी। जय माता दी, जय जी। ओए भगत जी, आप शिवहर जिला से है ना? काफी 20-25 साल से यहाँ पे आप आ रहे हैं जिन बाबा के पास? हाँ, जिन बाबा माता रानी के पास जी। यहाँ से खाबे माई जाते हैं जी। ये देखिए, काफी यहाँ पे प्रसाद वगैरह ले सकते हैं आप। यहाँ से 1 किलोमीटर दुर्गा जी के मंदिर है, ये जीन बाबा स्थान के हुआ। और यहाँ का जो नदी है बाण गंगा नदी जी, जो बगल से बही है, आप आइए थोड़ा दिखाते हैं उसके तरफ। ये है यहाँ के घाट, आप लोग बाल गंगा नदी। अरे यहाँ जिन पोखरा भी कहते हैं, उधर महिला स्नान बना रही है। देखिए, यही है बाल गंगा, बाल गंगा ना, बाल गंगा नदी। ये बाल गंगा नदी बोल बताते हैं हमारे पूर्वज लोग, इधर भगवान के जब बारात जा रहा था तो जा नहीं आ रहा था उधर वापसी, तब उसके बाद में यहाँ पर क्या है कि जेठी जो है कलेवा के लिए यहाँ रुके थे, तो उसी समय पानी का काम पड़ा तो लक्ष्मण जी बाण से मारे तो उसमें से जल निकलने लगा, तो वही जल इधर आता है, कहीं से टचिंग नहीं है, वही बाल गंगा। हाँ, बाल गंगा। हाँ, बाल गंगा नदी है। इनको जीन पोखरा भी लोग कहते हैं, बाहर से जो आते हैं जी, कई लोग जीन पोखरा भी कहते हैं जी। जीन बाबा कहते हैं कि यहाँ स्नान बनाते थे पहले जी ना, तो ये जो हो गया यहाँ स्नान बना करके और फिर पूजा पाठ करके और फिर लछवार माता जी, फिर थावे दुर्गा जी के मंदिर में फिर जागते हैं, अपना सुख शांति मनाते हैं साल भर में एकदम। यही देखिए, जीन बाबा के पास एक वैद्य जी हैं जो कि काफ़ी अच्छा उपचार करते हैं। वैद्य जी से मिलिए, इनके ही अच्छे से समझे क्या जी। इधर खड़ा हो जाए। बादी खूनी बौसी है, 2 से 3 खुराक 100% गारंटी के साथ ठीक कर देते हैं। 2 बार ऑपरेशन भी कराकर रोगी आता है तो 2 से 3 खुराक देते ही हैं। बादी हो, खूनी हो, भकंदर हो, मतलब किसी भी प्रकार का बावसीर हो, हाँ, आप ठीक कर देते हैं। बस 2 से 3 खुराक काफ़ी है, चेक भी नहीं करते हैं जी। शुगर है जो शराब नहीं पीता है जी, 1 से 2 खुराक में गारंटी के साथ ठीक कर देते हैं जी। शुगर जी, 1 से 2 खुराक में सर। शुगर भी, शुगर से तो काफी लोग परेशान हैं। तो क्या कह रहे हैं, मगर जो शराब पीता होगा उसको नहीं पिलाते। लेडीज लोगों को पिलाते हैं, उन लोगों को ठीक हो जाता है। और जो जेंट्स होता है जी, वो बोलते हैं कि बाबू पार्टी में गए हैं तो हमको मिल जा रहा है जी, तो उनको हम नहीं पिलाते। यानी कि आपका दवा खाने के बाद अल्कोहल नहीं लेना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरी बात, जो कैसहू गठिया का रोगी हो जी, शरीर के किसी अंग में दर्द हो जी, हर तरह से थक गया हो जी, उसको बुलाइए, शर्त के साथ उसको हम अच्छे कर रहे हैं जी। यही मेरा उपचार है, समझ रहे हैं ना जी। हाँ, अभी आप लोग विधि चंद्र सिंह जी से बात कर रहे थे, वैद्य विधि चंद्र सिंह जी ना, जो कि अपना बताए हैं कि यहाँ पर 100% गारंटी लेते हैं। 100% गारंटी जी जी, ठीक।
हनुमान जी का मंदिर देख सकते हैं आप लोग, जीन बाबा के पास ही मंदिर इनका भी, जय बजरंग बली। ये सभी बोलिए। ओहो, 10-15 साल सारा कच्छ दूर रहते थे, कच्छ हुआ तो दूर हो गया, और थोड़ा थोड़ा कच्छ है तो इनका दरबार में आते जाते रहेंगे तो सारा दूर ठीक हो गया, ठाकुर जी का हो गया। देख सकते हैं यहाँ से जीन बाबा का व्यू। अभी आज थोड़ा कम भीड़ है, लेकिन नवरात्रा में षष्ठी सप्तमी अठवीं नवमी काफ़ी भीड़ रहता है। जिन बाबा हो जी का मंदिर हो गया और राधे कृष्ण का मंदिर हो गया। ये हमारे हनुमान जी हैं, पांचमुखी हनुमान जी जी सामने दिख रहा है, माँ दुर्गा ने दिख रहा है, उसके बाद महाकाली मैया का मंदिर है जी। हाँ, ये सब मंदिर ये जिन बाबा के प्रांगण में है सब। यहाँ पर जो भी आदमी आते हैं, भक्त लोग आते हैं, वो सब देवी देवता से पूजा पाठ करके अपना से संतुष्ट होते हैं और खुशी होते हैं, खुशहाल रहते हैं।